ग्रीटिंग लेडीज एंड जेंटलमैन मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग डिपेंडिंग दिस वीडियो भारत माता की जय बहुत मैंने कोशिश की कि मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी पर अब मैं फिर इंटरफेयर ना करूं अपनी जिंदगी में अपने काम से मतलब रखू बट सिंस कल परसों से जब मैं ट्विटर देख रहा था कई चीजें मैंने देखी अब मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ सो आई एम ट्राइंग टू मेक अडियो जहां तक स्प्रेड होता हुए सम पीपल विल लाइक दिस वीडियो सम विल नॉट लाइक दिस माई इंडिपेंडेंट व्यू तो ना ही मुझे किसी ने एक सेंट दिया है इसको बना के प्रमोट करने के लिए ना ही मेरे को प्रमोटर है ठीक है जिसको अच्छी लगी वो कर लेगा जिसने अच्छी नहीं लगी वो उसकी चॉइस है बट बात यह है कि मैंने जो चीज देखी है कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं राइट हेड्स एंड टेल्स वे बी प्ले क्रिकेट नहीं सेम ही चीज है आज नेगेटिविटी इज बीन फ्यूल्ड मोर ठीक है मैं आज केवल तीन ही पॉइंट्स पे आपके साथ बात करूंगा एक ये बैकग्राउंड क्या है एक ये हिस्ट्री क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है बहुत बार सोल्यूशन पे हम मिस कर जाते हैं ठीक है सो वेरी वेरी सैड जो इंडिया में इस वक्त हो रहा है ये इस इंडिया को तोड़ने की बात है नो बडी हैज एवर लाइक्ड इंडियंस हमको हमेशा पिछड़ा बेकार ही समझा जाता है ठीक है और अब तो ये होगा कि ये इतना अच्छा कर कैसे रहे हैं वर्ल्ड वाइड हम जहां भी इंडियंस फैले हुए हैं हम अच्छा कर रहे हैं तो हमारे को ये भारत को तोड़ने की बातें चल रही हैं, ठीक है ना तो नेगेटिव क्यों है क्योंकि कलयुग है सच्चाई जीतेगी जरूर पर सच्चाई को परेशान किया जाता है अब आपने पहले शाहीन बाग देखा बुक छपने वाली थी रियलिटी वाली कि भी इसमें कहा क्या गया पर किसको गरीब बताया गया किसको प्रताड़ित किया गया मुसलमानों को मोहरा बनाया गया उनको समझ ही नहीं आया ठीक है सेकेंड है अब ये शाहीन बाग टू बन रहे इसमें अब सिखों को भड़काया जा रहा है इनको इनोसेंट सिखों को घुमाया जा रहा है टाइमिंग्स देखिए आप ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवेंथ ट्वेंटी सिक्स इलेवन का टाइम चूज किया ताकि सारा डायवर्ट कर दे पाकिस्तान और कांग्रेस के ऊपर ये बात ही ना आए कि क्या हुआ अब गुरु नानक देव जी का बर्थडे है ट्वेंटी अब उसको भी बीच में ऐड किया जा रहा है ठीक है किसानों का खालिस्तान से क्या मतलब है भाई ठीक है सो बात यह है कि जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना ये फार्मर्स नहीं है इसके अंदर पाकिस्तान इन्वॉल्व है आईएसआई एस इन्वॉल्व है इसमें एस एफ जे जो है जस्टिस जो पन्नू है वो कैलिफोर्निया में है उनके पॉजिटिव जो बंदे बोलते हैं कि हमें खालिस्तान नहीं चाहिए अपनी अपनी जिंदगी जियो यार खालिस्तान से आपको क्या लेना देना है खालिस्तान वॉज ऑल्सो क्रिएटेड बाई कांग्रेस जब फेल हो गया अब फिर से उसको रिवाइव कर रहे हैं कैन यू इमेजिन स्लोगन सुनने वाले थे ठीक है इतनी जल्दी सिख कैसे भूल गए 84 में हमारे साथ कांग्रेस ने क्या किया था ठीक है उनके लिए लड़ते लड़ते अब कांग्रेस के साथ ही हो गए राहुल गांधी को देखो क्या ट्वीट मार रहा है अबे तुम्हारी ही दादी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं और तुम उस पर ट्वीट कर रहे हो यू हैव कम सम कॉमन सेंस और नॉट कांग्रेस इन्वॉल्व है अर्बन नेक्सर्स इन्वॉल्व है फार्मर यूनियंस इन्वॉल्व है मंडी के जो ब्रोकर्स हैं वो इन्वॉल्व है क्योंकि इनके पेट पे लात पड़ी है फार्मर्स का कोई लेना देना नहीं है ठीक है ना ये ऑल नेगेटिव फोर्सेस जो हैं इनको दर्द हो रहा है ये चढ़े हुए हैं मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है पूरी हुई है ना एक बुक है अर्बन नेक्सल्स विवेक अग्नोत्री जी ने लिखी हुई है ठीक है उनके आप वेबसाइट पर जा सकते हो आई एम बुद्धा डॉट नेट ठीक है मैं किसी के फेवर में नहीं बोलता ये उनकी प्रमोशन के लिए भी नहीं है पर बात यह है कि आप अंडरस्टैंड करो एक ईगल व्यू लेके देखो दुनिया में क्या हो रहा है एंड देन चूज योर साइड एंड रिप्रेजेंटेड प्रॉपरली सो ये जो बैकग्राउंड में चल रहा है ना ये आपको समझना पड़ेगा ठीक है वट इज रेड कॉरिडोर अच्छे लोगों की संगत में जाके पता करो हैदराबाद से होते हुए पटना से होते हुए काठमांडू होते हुए चाइना घुसता है वो रेड कॉरिडोर है और वो सारी बहुत ही मिनरल रिच रूट हैं, जिसपे फोर्सेस चल रही हैं पाकिस्तान से एंट्री हो रही है ठीक है इंटरनेशनल फंडिंग हो रही है एस एफ जी के मैंने पोस्टर्स देखे जिसमें एक मिलियन डॉलर खालिस्तान के झंडे उठाने के लिए दिए जा रहे हैं ठीक है कैनेडा के अंदर बिग पॉलिटिशियंस गेट अलॉन्ग विद पाकिस्तानी मिनिस्टर्स यानी खुद की आंखों का देखा हुआ है ठीक है रेफरेंडम ट्वेंटी ट्वेंटी यहां पर थैंक गॉड टू द दिन प्राइम मिनिस्टर ही रिफ्यूज टू यू नो एक्नोलेज दैट यू नो ट लॉट ऑफ नेगेटिव फोर्सेज आर कमिंग ऑन मेरा एक ही क्वेश्चन है खालिस्तान वालों से मैं उसके ना फेवर में हूं ना मैं उसके बनने पे ना बनने पे मेरा कोई मुद्दा नहीं है पर मुझे इतना पता है जो स, असली पंजाब था वो पाकिस्तान में पार्टीशन में निकल गया तो अगर आपको खालिस्तान ही चाहिए मेरा एक ही क्वेश्चन है स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान उसको खालिस्तान पहले बनाओ बाद में हम यहां से बात करेंगे यहां क्यों घुस रहे हो पहले ठीक है ना एक बार जाके बोलो मुझे पाकिस्तान में कि हाँ मुझे खालिस्तान चाहिए पाकिस्तान से हटाओ तो मिलता तुमको कल को खालिस्तान ठीक है ना डेमोक्रेसी की भी हद ही कर दिए यार तो ये सारे बैकग्राउंड को आप समझो क्या हो क्या रहा है हमारे लाइफ के अंदर अब हम बात करता हूं हिस्ट्री की कि ये सिखों को क्यों कर रहे हैं सिख्स आर वेरी हॉट ब्लडेड आर वेरी एग्रेसिव वेरी ब्रेव कम्युनिटी ठीक है हम अपने डिसिप्लिन में रहते हैं वर्ल्ड वाइड स्प्रेड आउट हैं, ठीक है वर्ल्ड वाइड अच्छी पोजीशंस पे भी हैं और अच्छे बिज़नेसेस भी रन करते हैं प्रॉफिटेबल बिजनेस करते हैं चैरिटीज करते हैं जहां क्राइसिस होती है हम लोग पहुंचते हैं कभी किसी की न धर्म देखते हैं ना जात देखते हैं ना कलर देखते हैं हेल्प एवरीबडी करते हैं यहां हम लोग गुरु नानक किचन लगाते हैं अंडर प्रिवियस लोगों को हम लोग हॉट फूड देते हैं गोरे केवल ये कहते हैं कि ओ माय गॉड यू वेयरिंग टर्बन हैं वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह हाउ डू यू नो अस बिकॉज़ वी गिव यू हॉट फूड ठीक है और ये जो गंदी फोर्सेस हैं ये टर्बन को हिलाने पे लगी हैं आई एब्सोल्युटली डू नॉट सपोर्ट देम ठीक है ना अब आप देखो कल मैंने एक वीडियो देखा कि भाई ये जिन्होंने प्रोटेस्ट किया वो बैठ के खा रहे हैं कुछ पुलिस वाले लंगर खा रहे हैं लंगर खिलाने वाले आ रहे हैं ठीक है बिल्कुल सही है वो हिस्ट्री में ऐसा ही होता था जब सिख लड़ते थे सवेरे उठ के पाठ करते थे पूरी अपनी गुरु की रहत मानते थे अस्त्र शस्त्र की तैयारी करते थे पूरा दिन मैदान में लड़ते थे कोई सोल्जर गिरता था उसको मरते मरते पानी पिलाते थे पर एंड ऑफ द डे इकट्ठे होके रोटी भी खाते थे उनकी मरम पट्टी भी करते थे ठीक है बहुत हिस्ट्री में बहुत चीजें हैं उस इंसिडेंट को कल प्रोटेस्ट में लाकर दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जी हम लोग पूरा दिन प्रोटेस्ट करते हैं और अभी देखिए हम लोग मिलकर पुलिस वालों को भी खाना खिला रहे हैं एब्सुलटली नॉट एक्सेप्टेबल ठीक है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू सेकेंड है देखिए ये प्रोटेस्ट है सब कुछ ठीक है गुरु ने और भी बहुत अच्छी चीजें सिखाई थी हम लोगों ने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं है? गुरु तेग बहादुर जी ने हिंद की चादर हमने इक्वालिटी पे हमेशा लड़ाई की है वुमेन राइट्स पे हमेशा लड़ाई की है हमारे घरों पे वुमेन्स को प्रताड़ित नहीं किया जाता इक्वल राइट है मेरी सिस्टर और मेरे में कोई फर्क नहीं है ठीक है हमने कभी जेंडर बेस्ड बात ही नहीं की है इक्वालिटी में बात की है सिंग और कौर करके बात करते हैं ठीक है तो so, जो गुरु ने अच्छा सिखाया है उसको कैसे भूल रहे हैं हम लोग और वो प्रोटेस्ट पार्ट कैसे बन रहा है ठीक है एंड मेरी ये बहुत बड़ी एक रिक्वेस्ट है कैप्टन अमरिंदर सिंह से ठीक है समटाइम यू हैव टू थिंक एज अ लीडर नॉट एज पार्टी आपसे मुझे उम्मीद थी कि आप एक इंडियन आर्मी में काम कर चुके हो आप कैप्टन रिटायर्ड हो सर यू विल डू अ जस्टिस जस्ट बिकॉज कांग्रेस इज पुशिंग यू एंड यूर लुकिंग फॉर अनदर सी एम पोजिशन टर्म वेरी बैड पॉलिटिक्स अब लास्ट में आपको बोलता हूं कि भाई ये सारा कुछ हो गया तो so मैंने आपको बताया कि हो क्या बैकग्राउंड क्या चल रहा है ठीक है आपको यह बताया कि हमारी हिस्ट्री क्या है हम जान दे सकते हैं हम भोले लोग हैं उसको ये भड़का रहे हैं और उसका वो एडवांटेज ले रहे हैं हमारा ठीक है ना सो बी केयरफुल गाइस नंबर थ्री है इसका सोल्यूशन क्या है मैंने पीछे ले वीडियो बनाया आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि तीन एक्ट्स हैं तीन बिल्स हैं अठारह पेजेस हैं अगर आपको यही नहीं समझ में आया आई डोंट केयर यू आर एमएस पी और एमएससी और एजुकेटेड और हाईली एजुकेटेड अगर आपको इतनी बात नहीं है तो आपकी एजुकेशन पे भी है एक आम बंदा मुझ जैसा बंदा अगर ये समझ सकता है फिर आपकी एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है जैसे राहुल गांधी ने बिल फाड़ के फेंका था ना वैसे अपनी एजुकेशन भी फाड़ के फेंक दो आपसे बड़ा अनएजुकेटेड पर्सन कोई है नहीं हां इतना क्लियर कर दो कि हमें कोई एजुकेशन कोई बिल से लेना नहीं हम तो इंडिया के विरोध में खड़े हैं है तो हम तो करके भी दिखाओ हिजड़ों की तरह तो ना आगे आओ बोल भी नहीं सकते हम करना क्या चाहते हैं करना भी वो एंटी इंडिया वाला काम है सॉरी थोड़ा इमोशनल हो गया बट बात है कि उसको आप जाकर देखो और फिर समझो कि क्या हो रहा है मेरे पास बहुत सिंपल सोल्यूशन है वर्ल्ड इज चेंजिंग एवरीथिंग इज गेटिंग टेक्नोलॉजी वाइज सॉफ्टवेयर आते हैं है ना सॉफ्टवेयर वन टू पॉइंट जीरो थ्री फोर है ना ऐसे चलता है ना अब आपने जिद्दी बना ली कि मैं लाइन लाइन के बिना काम ही नहीं करना है अरे भैया आपको एक ऑप्शन मिला है आप आईफोन लेके सैमसंग नोट गैलेक्सी लेकर अपने अपनी जिंदगी बेटर कर सकते हो टेक्नोलॉजी का एडवांटेज ले सकते हो एक एक ऑप्शन ऑप्शन दी गई है इस बिल में और ये कि आप गईलाइन के साथ ही बंधे रहो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं लीडरशिप को इंडियन लीडरशिप को अमित शाह जी को मोदी जी को अरे जाओ मैदान में, में यार इनको बोलो भैया चाहते क्या हो आपको लैंडलाइन से ही काम करना है जाओ करो अगर सत्तर साल में अगर को न्यू लॉज पे आपने नहीं काम करना तो अटके रहो 1947 वाले कांग्रेस वाले रिकॉर्ड्स के अंदर ही जाओ मंडी में दो अपना सामान लुटो अपने आप को लुटवाओ अपने आप को करो सुसाइड अगर ये करना है तो करो प्लीज गो एंड टॉक टू दिस गाइस इन दैट मैदान जहां पर भी ये लोगों को रखा गया है उनसे जाके बोलो कि भैया हमने आपकी शर्तें मान ली है आप प्लीज जाके मंडी में जाके सामान दो अपना गल खत्म हो गई क्या नाटक कर रखा है यार कंट्री प्रोग्रेस करने की जगह रिवर्स गियर में जा रही है वॉट नॉन इज दिस ठीक है ना जिसको ओल्ड सिस्टम फॉलो करना है गो फॉर इट इसमें सिख कहां से आ गई यार नॉन है पूरे इंडिया के किसी किसान को कोई प्रॉब्लम नहीं है ये कांग्रेस डिस्टर्ब प्लेसेस से ही आती है भरे प्रॉब्लम सो गो बैक एंड लिसन टू योर बैकग्राउंड में क्या चल रहा है मूवी के जो मूवी में जो नाच गाना हो रहा है ना वो एक्टर एक्ट्रेस को मत देखो पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर लाइट बॉयज और स्पॉट बॉयज